बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जैसा कि इससे पहले 22, 23, 24 ये तीन क्वेश्चन एक जैसे थे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 21 के तमाम पार्ट एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 19, 20 एक जैसे थे। बिल्कुल उसी तरह से ये जो तीन क्वेश्चंस इकट्ठे दिए गए हैं 25, 26 एंड 27, ये तीनों एक जैसी हैं। इनके अंदर हमने ये प्रूव करना है, जैसा कि 25 के अंदर लिखा हुआ है कि x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ x रेज्ड पावर 2n माइनस 1, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव 1। ये हमने प्रूव करना है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स कि x प्लस वन एक फैक्टर है। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई फैक्टर है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन का। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर एक्स प्लस वाई एक फैक्टर है, एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1, वाई रेज टू पावर 2n माइनस 1। अब वाई रेज टू पावर 2n माइनस 1 का मतलब ये है कि जब वाई की पावर ऑड होगी, और एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 का मतलब है कि जब एक्स की पावर ऑड होगी। तो पता चला कि जब ऑड पावर्स वाले ऐड होंगे, क्यूब हो सकता है, पावर 5 हो सकती है, पावर 7 हो सकती है, पावर 9 हो सकती है, जो भी वट एवर ऑड पावर्स होंगी क्वेश्चन नंबर 27 में एक्स और वाई की, और अगर उनका सम भी हो रहा हो तो फिर एक्स प्लस वाई उनका एक फैक्टर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कह रहा है कि एक्स माइनस वाई एक फैक्टर है, एक्स रेज टू पावर कुछ भी आ जाए, ऑड आ जाए, इवन आ जाए, बट हो वो पॉजिटिव नंबर और एक्स और वाई इक्वल ना हो, ये कंडीशन लिख है साथ में, तो फिर एक्स माइनस वाई फैक्टर होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 25 में जो एक्स की पावर है वो इवन नंबर होना चाहिए, 2n लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर जब इवन नंबर हो और उसमें से जो आंसर हो उसमें से वन माइनस हो रहा हो, तो फिर एक्स प्लस वन उसका एक फैक्टर होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए। दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, टोटल तीन स्टेप करने हैं और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी कि कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने नोट किया, हमने इसके अंदर ये बताना है कि प्रूफ बल्कि करना है एक्स प्लस वन जो है वो फैक्टर है एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 का। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है एस एन दिस इज एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के टोटल तीन स्टेप होते हैं, जिनके अंदर हमने ओवरऑल दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। स्टेप नंबर वन के अंदर हमने क्या करना है, लीएस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वन के ऊपर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, क्या वो एक्स प्लस वन फैक्टर दे रही है या नहीं दे रही। तो जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर मैं पुट करूँ एस ऑफ वन हमने फाइंड करना है, तो एस ऑफ वन जो होगा स्टेटमेंट में जब वन पुट करेंगे एक्स रेज टू पावर 2 और ये एन की जगह वन आ गया इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और फिर इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको फैक्टर कहते हैं। तो ये एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फैक्टर बन गया। एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो जो पूरा पूरा डिवाइड करे स्टेटमेंट को, तो ये एक्स प्लस वन आ गया, लिहाजा हम कह देंगे कि एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। स्टेप नंबर वन से हमें पता चल गया। स्टेप नंबर टू होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसमें हमने सपोज करना होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। स्टेप नंबर टू होता है सपोज का। Suppose our statement is true for any positive integer k. A positive integer को ऐसे लिख देते हैं हम कि ये natural number है। Suppose करना, suppose करने के लिए हम statement को again लिखेंगे s at k, ये क्या बन जाएगी 2 raise to power 2 n की जगह k आ जाएगा और ये माइनस बना के, ये हमने suppose कर लिया, ये हमारी स्टेटमेंट है। और
पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब हमने स्टेप नंबर करना है 3, जो कि बेसिकली कंडीशन नंबर 2 होती है, मेन कंडीशन होती है मैथमेटिकल इंडक्शन की, हमने उसको सॉल्व करना है। वो क्या होती है कि हमने n की जगह पे जो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है यानी k की बजाय k+1, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसके ऊपर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है क्या वो स्टेप नंबर 2 जैसी स्टेटमेंट दे रही है या नहीं हमारे सपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट जो थी उसको k+1 पे चेक करते हैं, x^2 (k+1-1)। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये वाला जो 2 है पावर के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा x^2 (k) और बन जाएगा +2 और फिर बन जाएगा -1। इसको मज़ीद अगर देखें तो पावर प्लस हो रही है, तो प्लस वाली पावर को हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, 2k अलग लिख दिया और x^2 ये +2 अलग आ गया -1। तो ये वो स्टेटमेंट बन गई है कि जो k+1 के लिए, बट हमने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके तब्दीली करके हमने ऐसे इक्वेशन नंबर 1 जैसा इसको बनाना है, x^2 (2)(k+1) आए, यानी इस जगह पे k की बजाय k+1 नज़र आए। तो हम ऐसा काम करने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसी अमेंडमेंट करेंगे कि ये जो 2 है ये वाला k की बजाय k+1 आ जाए इसमें, और हमें पता चल जाए क्लियरली हमारी सपोजिशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए x² को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सॉरी ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, मैं तो लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करना है, x² को। तो दोनों साइड पे जब ऐड एक ही साइड पे बस हम कर लेते हैं, दोनों साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये बन जाएगी स्टेटमेंट x^2 (k)((x²-1) ऑलरेडी, और ये मैं लिख देता हूँ ब्लू कलर के अंदर ऐड कर दिया, और ये मैं लिख देता हूँ रेड कलर के अंदर जो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमने कुछ ऐसी पेयरिंग करनी है इनकी कि इनमें से कॉमन आ जाए और हमारे जो सपोजिशन है उस जैसी स्टेटमेंट बन जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये वाली, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, इन दो को मैं सेपरेट कर देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या, ये देखें, ऐसा करने से x^2 (k)(x²) और इसके साथ लिख देते हैं x², और ये x² पहले, और ये वाला जो -1 है ये बाद में लिख देता हूँ। अब इनमें से कॉमन आ रहा है, हमें ऐसा करने से x² कॉमन मिल गया, तो जब x² को कॉमन लेंगे तो ये बन गया x^2 (k)-1 रह गया, और इधर दोनों में से 1 कॉमन आएगा, लिखना हो तो लिख लें, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, x^2(-1)। अब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, अब क्योंकि जब फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो उसमें ब्रैकेट्स कॉमन आया करती हैं इधर और इधर, बट इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे x^2(k) है, लिहाजा इन ब्रैकेट्स तो कॉमन आ नहीं सकती, अब हमें कुछ और ही करना पड़ेगा सिंपलीफिकेशन के लिए। तो ये स्टेप मैं वैसे लिख देता हूँ, जबकि ये वाला जो ब्रैकेट है ये कंप्लीट हो रही है a²-b² का फार्मूला, a²-b² का फार्मूला, दिस इज़ इक्वल टू 1-2 (+2)। ये स्टेप नंबर 1 में भी हमने यूज़ किया, उस स्टेप के अकॉर्डिंग ये बन जाएगी 1-2 (+2)। ये एक्स है, एन नहीं है, ऐसे। अब हमने बताना ये है कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल वैलिड है, कंपेयर करेंगे इसे स्टेप नंबर 2 के साथ जो हमने सपोज किया था। क्या सपोज किया था ज़रा इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने सपोज किया ये वाली चीज़, x^2 (k)-1 एक स्टेटमेंट है पॉजिटिव इंटीजर k के ऊपर ट्रू, यानी ट्रू का मतलब ये है कि x+1 उसका फैक्टर है। तो देख लें x²-1 बिल्कुल वही बन चुकी है,
एक्स रेज टू पावर टू के माइनस वन, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहली टर्म बन गई ये हमारी सपोजिशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फैक्टर दे रही है एक्स प्लस वन। जबकि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर तो फैक्टर ही एक्स प्लस वन नज़र आ रहा है, ये वाला ये फैक्टर नज़र आ रहा है एक्स प्लस वन। लिहाजा ये जो दो वैल्यूज सम अप हो रही थी इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर हमने देखा कि फैक्टर एक्स प्लस वन अपेयर हो रहा है, लिहाजा हम कह देंगे कि एक्स प्लस वन एक फैक्टर है किस चीज़ का, ये जो सारी स्टेटमेंट थी उसका। तो साथ में लिख देते हैं लास्ट में कैसे लिखेंगे कि कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर सेटिस्फाइड। कंडीशन वन एंड कंडीशन टू ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आर सेटिस्फाइड। सो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स रेज टू पावर टू एंड माइनस वन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 था ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की और 25 क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसके अंदर फैक्टर्स ही मालूम करने हैं, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर वो क्वेश्चन हमारा होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट ये है कि एक्स माइनस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन। ये हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है और दो कंडीशन को हम ओवरऑल तीन स्टेप्स के अंदर सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर वन ये होता है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर हमने स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, क्या वाकई ही x माइनस वाई फैक्टर बन रहा है या नहीं। तो हमने n की जगह पे 1 पुट कर देना स्टेटमेंट में। तो जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी, स्टेटमेंट एट 1 ये बन जाएगी x रेज टू पावर 1 माइनस वाई रेज टू पावर 1। और अगर पावर्स के बगैर लिखें तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई x माइनस वाई, सो वी कैन से दैट दिस आर सेम थिंग्स। सो एक्स माइनस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, एक्स माइनस वाई फैक्टर है। स्टेप नंबर वन वेरीफाई हो चुका है। स्टेप नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेप नंबर टू है इसके अंदर हमने कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए वैल्यूज़ को सपोज कर लेना है कि ये वैलिड है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के सपोज के आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हम स्टेटमेंट को लिखते हैं जस्ट n की जगह पे k रिप्लेस कर देना है। तो स्टेटमेंट बन गई एट k स्टेटमेंट इज x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k। ये हमारी स्टेटमेंट है। हमने सपोज किया कि x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k हैव फैक्टर x माइनस y, यानी इस स्टेटमेंट का जो फैक्टर है वो x माइनस y है, ये सपोज कर लिया। और अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि जो कंडीशन नंबर टू होती है मैथमेटिकल इंडक्शन की उसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर थ्री। और इसके अंदर जो k होता है k से नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी k प्लस वन के ऊपर स्टेटमेंट को चेक करना होता है। एन को हम k प्लस वन से रिप्लेस करते हैं तो जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट एट k प्लस वन इसकी शेप बन जाएगी x रेज टू पावर k प्लस वन माइनस y रेज टू पावर k प्लस वन। जबकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके मज़ीद लिखें तो x रेज टू पावर k अलहदा लिख दिया और x पावर वन अलहदा लिख दी। सिमिलरली माइनस वाई रेज टू पावर के अलहदा लिख दी और मल्टीप्लाई करके वाई रेज टू पावर वन अलहदा लिख दी, वाई रेज टू पावर वन। सो
इसको हमने अब इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ चीज़ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बेसिस जो हमारा मोटो है वो यही होगा कि हम इसको इक्वेशन नंबर वन के साथ कंपेयर करें, अपने जो सपोज किए वैल्यू उसके साथ हम कंपेयर करें। इस जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक वैल्यू ऐड कर देते हैं और वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब वो वैल्यू होगी कैसी, किस तरह की होगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड एक्स वाई रेज टू पावर के, ये वाली वैल्यू हम ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जब इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से बन जाएगी, राइट साइड एक्स रेज टू पावर के डॉट एक्स माइनस वाई रेज टू पावर के वाई, ये हमने ऐड कर दिया वाई रेज टू पावर के, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं जी, ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हम इसमें से कुछ चीज़ें पेयरिंग बनाएंगे, कॉमन लेंगे, तो वो हमारी जो सपोजिशन है उस जैसी वैल्यू बन जाएगी। सपोजिशन में अगेन देख लेते हैं, हमें कॉमन में चाहिए x रेज टू पावर k एंड y रेज टू पावर k, और दोनों के दरमियान में माइनस हो, तो अब हमने x के और y के वाली ऐसी वैल्यू उठानी है कि जिनमें कुछ कॉमन लेके हम ख़त्म बाहर निकाल सकें उसको। चलें जी, ये नज़र आ रही है मुझे x रेज टू पावर के, ये वाली, इसमें से x कॉमन आ सकता है, साथ इसमें से x कॉमन आ सकता है, इन दो में से x को हम कॉमन ले लें और बाकी जो बचेगी वो x रेज टू पावर के और इधर y रेज टू पावर के बचेगी। तो अब तक हमने सिर्फ इसको x रेज टू पावर के इंटू एक्स और माइनस x y रेज टू पावर के, अब तक हमने जस्ट इनको अलहदा किया। इसके बाद जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं उनमें से मैं पहले x वाली जो पॉजिटिव है ये वाली, पहले इसको लिखता हूँ x y रेज टू पावर के, फिर माइनस वाली लिख देता हूँ, ये वाली माइनस वाली रह गई, इसको मैं लिखता हूँ माइनस y रेज टू पावर के इंटू y। कॉमन लेने से हमें पता चल रहा है कि पहली दो टर्म ये वाली जो हैं इनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिखा, बाकी रह गया x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k। ये बिल्कुल वही चीज़ बन चुकी है जो सपोजिशन वाले स्टेप नंबर टू के अंदर थी, और इन दो टर्म्स के अंदर से y रेज टू पावर k कॉमन आ रहा है, y रेज टू पावर k कॉमन लेंगे तो बाकी रह गया x माइनस y। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये में अगर आएँ तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि हमने प्रूफ करना था x माइनस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर n माइनस वन। तो जब लास्ट स्टेप में ज़रा गौर करें तो लास्ट स्टेप में x माइनस वाई तो फैक्टर बन चुका है, इस टर्म के अंदर अगर देखें तो x माइनस वाई है, ये तो फैक्टर बन गया, तो पता चला कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें से तो फैक्टर क्लियर हो गया, x माइनस वाई फैक्टर है। जबकि इसको देखें, इसमें x माइनस वाई तो नहीं आ रहा कॉमन फैक्टर के तौर पे, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर वन के साथ जो सपोज की हुई है, तो बिल्कुल वही वैल्यू बन रही है x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k। और हमने सपोज ये किया था कि x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k पॉजिटिव इंटीजर k के ऊपर फैक्टर देता है x माइनस y, लिहाजा हमें पता चला कि ये वैल्यू x माइनस वाई फैक्टर के साथ है, ये वैल्यू भी x माइनस वाई फैक्टर के साथ है, एक हमारी सपोजिशन से निकल आई और एक जनरल फैक्टर शो कर रही है, तो इनका जो सम होगा ये भी फैक्टर हमें शो करेगा। लिहाजा हम कह देते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर सेटिस्फाइड, सो x एंड x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n। अब n क्या है, n के ऊपर कंडीशन है कि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए,
बस ये कंडीशन है फॉर ऑल एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी ख़त्म हो चुका है। 25 और 26 को हमने देखा बिल्कुल एक जैसी हैं, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन 26 हो गया। अब हम नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ही स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 27 है, कंपेयर करके ज़रा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में था एक्स माइनस वाई, बट जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें है एक्स प्लस वाई। इसमें था एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन, कोई भी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो सकती थी एन की जगह पे, बट इधर अगर हम देखें तो इसमें ऑड नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर पावर, और दरमियान में है भी प्लस, तो क्वेश्चन एक जैसे मिलते जुलते हैं, माइनस वाले में माइनस फैक्टर और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव। तो हमने इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 और 25 जैसा ही है। लेट्स सी कि कैसे हमने इसको प्रूफ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप नंबर 1 यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन हम बताता है कि स्टेप नंबर 1 के अंदर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 के ऊपर हमने अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है और देखना है क्या जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर। स्टेटमेंट के अंदर हम पुट करते हैं 1, और स्टेटमेंट क्या थी, एक्स रेज टू पावर 2 एन की जगह 1 आ गया माइनस 1, और इधर था प्लस वाई रेज टू पावर 2 एन माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो देखें एक्स रेज टू पावर बन रहा है 2 माइनस 1, और प्लस एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर 2 माइनस 1, और इसको सॉल्व करने से हमें पता चला एक्स रेज टू पावर 1 और वाई रेज टू पावर 1। तो इसी को तो हम चेक कर रहे थे कि एक्स प्लस वन फैक्टर, एक्स प्लस वाई फैक्टर है या नहीं। तो हर जो नंबर होता है वो अपना ही फैक्टर ज़रूर होता है, तो एक्स प्लस वाई फैक्टर आ गया, लिहाजा हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर पॉजिटिव इंटीजर 1। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 2 कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर 2 होता है सपोज, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, तो एन को के से रिप्लेस कर देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है तो साथ में ये कंडीशन लिख देते हैं। अब स्टेटमेंट थोड़ा इस शक्ल की बन जाएगी कि स्टेटमेंट एट के एक्स रेज टू पावर 2 के माइनस 1, और दरमियान में था प्लस, तो 2 एन की जगह पे आ जाएगा 2 के माइनस 1। तो फ़र्ज़ किया कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये अपना फैक्टर दे रही है एक्स प्लस वाई। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर स्टेप नंबर 2 के बाद जो होता है स्टेप नंबर 3, उसमें हमने के से नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर स्टेटमेंट को चेक करना है। तो उसको नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री के लिए हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर के लिया था स्टेप नंबर 2 में, उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी के प्लस 1 के ऊपर हम अपनी वैल्यू को चेक करते हैं, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है के प्लस 1। तो स्टेटमेंट के अगर अंदर अगर हम पुट करें के प्लस 1, तो स्टेटमेंट बन जाएगी एक्स रेज टू पावर 2 के प्लस 1 माइनस 1, और इधर आ जाएगा प्लस वाई रेज टू पावर 2 के की जगह आ गया के प्लस 1, और ये आ गया माइनस 1। अब इस स्टेटमेंट को हमने इस तरीके से अमेंडमेंट इसके अंदर करनी है कि जो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने ये इक्वेशन सपोज की है, हमारी इनमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाएं जो बिल्कुल ऐसी नज़र आएँ, टू रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 2 के माइनस 1, वाई रेज टू पावर 2 के माइनस 1, इस जैसी नज़र आए। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो इसको करते हैं ओपन।
यानी ये जो पावर्स के अंदर ये वाला 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा k के, फिर 1 के साथ। सिमिलरली 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर होएगा, फिर इसके साथ होएगा, सॉरी इसके साथ तो नहीं होगा, खैर x रेज टू पावर 2 के प्लस 2 वंस आर 2 माइनस 1। एंड सिमिलरली इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को पावर 2 के प्लस 2 एंड माइनस 1। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने जो पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना सब्ट्रैक्ट, मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़रा स्टेप नंबर 2 दोबारा देखें, 2 के साथ माइनस 1 चाहिए हमें। स्टेप नंबर 2 में 2 के साथ माइनस 1 चाहिए, तो हम बजाय इसको इस स्टेप के अंदर सॉल्व करने के, हम इस माइनस 1 को 2 के साथ लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर 2 के माइनस 1, और ये जो 2 बाकी रह गया इसको अलहदा पावर बना के लिख देते हैं। सिमिलरली इधर हम कर y रेज टू पावर 2 के, और साथ में आ रहा है माइनस 1, और ये प्लस 2 को अलहदा कर देते हैं। सॉरी प्लस 2 को बजाय इस तरह अलहदा करने के हम एक स्टेप शॉर्ट करते हैं और इसको पावर बना के ऐसे लिख देते हैं। चलें जी, इस स्टेप से हमें पता चल गया कि हमने कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, वो कौन से हैं, इन दो को उठा लें ऐसे। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2 के माइनस 1। इसको ऐड भी कर दे दोनों साइड पे, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दे। कैसे, ज़रा क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ये वाली जो चीज़ आ रही थी इस स्टेप के पैरेलल, एक्स इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी मैं बार बार मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था एक्स वाई रेज टू पावर के को ऐसे। तो ये सेंटर से हमें वैल्यू मिलती है, इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें जो ऐड और सब्ट्रैक्ट का नंबर मिला है वो मिल रहा है एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 2 के माइनस 1। इसको ऐड भी कर देना और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना। इधर मैं लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या चीज़, x रेज टू पावर 2 और साथ में इसके मल्टीप्लाई करना है y रेज टू पावर 2 के माइनस 1। इसको ऐड भी करना है और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। पहले से मौजूद रकम है x रेज टू पावर 2 के माइनस 1 x रेज टू पावर 2, और फिर उसके बाद है y रेज टू पावर 2 के माइनस 1 y रेज टू पावर 2। तो हम चूँकि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम थिंग, तो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलें जी, ऐड क्या कर रहे हैं, x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2 के माइनस 1, सॉरी ये चीज ऐड कर दी, और सेम चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे x रेज टू पावर 2 2 के माइनस 1। ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हम देखते हैं कॉमन लेना है, लिहाजा अब हमने इसमें से पेयरिंग करनी है। पेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेयरिंग के लिए हम अपने स्टेप नंबर 2 में वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। देखें स्टेप नंबर 2 हमारे सामने है, इधर हमें चाहिए 2 के माइनस 1 और उसके साथ 2 के माइनस 1 उसकी बेस में y भी चाहिए और दोनों के दरमियान में प्लस चाहिए। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, और अगर देखें तो ये वाजे हमें मिल रही है चीज़ कि इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाकी एक्स रेज टू पावर 2 के माइनस 1 और वाई रेज टू पावर 2 के माइनस 1, ये वाली चीज़ बिल्कुल पेयरिंग कंप्लीट होगी। इन दो से हम जो है वाई रेज टू पावर 2 के कॉमन ले लेंगे। तो अब मैं इनको लिखता हूँ, थोड़ा जूम कर लें,
और पेयरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा अब हम जस्ट कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे होगी? एक्स रेज टू पावर 2k-1 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, और इसके साथ ब्लू कलर वाली एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 2k-1, और उसके बाद आगे जी हमारे पास वैल्यूज़, ये मैं एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2k-1 इसको पहले लिख देता हूँ, और ये जो ब्लैक कलर वाली रहेगी वाई 2k-1 इंटू वाई स्क्वायर, ये इधर लिख देता हूँ। इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। मैं ब्लू कलर में कॉमन लिखता हूँ, पहले दो टर्म्स के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और बाकी अगर देखें तो एक्स रेज टू पावर 2k-1 प्लस वाई रेज टू पावर 2k-1, ये चीज़ जनाब कॉमन आ रही है पहले दो टर्म में से। बाद वाली दो टर्म में से अगर देखें तो वाई रेज टू पावर 2k-1, और बाकी रह गया एक्स स्क्वायर, सॉरी अगर ऐसा करें हम ऐसा करें हम कैसा करें हम ऐसा करें कि इसके साथ साइन, मेरे से गलती हो गई है, साइन की गलती हो गई है। ये देखें, ये जब लिखा है ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाई 2k-1 एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2k-1, तो इसके साथ यहाँ पे प्लस आना था, जो मिस्टेकनली मैंने प्लस लिख दिया, या माइनस आना था, यहाँ पे माइनस आना था, इस माइनस की वजह से ये माइनस आया और कॉमन आ गया वाई रेज टू पावर 2k-1। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कौन सी है? एक्स स्क्वायर, अब माइनस कॉमन आ चुका है तो इधर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। क्यों ऐसा पता चला? क्योंकि हमने इसके अंदर भी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट करना है, इस वजह से। ओके, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे, इस पे तो फ़र्क ही नहीं है। 2k-1 प्लस वाई रेज टू पावर 2k-1 क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो सपोज किया था स्टेप, ये एग्जैक्टली वही बन चुका है, वाई रेज टू पावर 2k-1, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक दफ़ा लिख देते हैं प्लस एक्स प्लस वाई, और एक दफ़ा लिख देते हैं माइनस के साथ एक्स माइनस वाई। अब इसमें दो टर्म बन गई हैं टोटल, एक ये टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है, यहाँ तक ये वाली टर्म। अब दोनों टर्म में हमने फैक्टर्स देखने हैं कि फैक्टर बन रहे हैं या नहीं, एक्स प्लस वाई, ये नज़र आ गया हमें एक्स प्लस वाई, बजाते खुद फैक्टर के तौर पे आ गया इस टर्म के अंदर इसमें, लिहाजा हम कह देंगे कि इस टर्म का तो फैक्टर एक्स प्लस वाई है। जबकि इसको देखें तो ये हमारी सपोजिशन वाला स्टेप ही है। सपोजिशन में हम सपोज कर चुके थे कि ये जो एक्स रेज टू पावर 2k-1 प्लस वाई रेज टू पावर 2k-1 इसका एक्स प्लस वाई फैक्टर है, हमने सपोज किया, तो हमें पता चला कि ये जो चीज़ थी ये एक्स प्लस वाई इसका फैक्टर बाई सपोजिशन है, और ये जो दूसरी थी उसमें एक्स प्लस वाई अपेयर हो रहा है, लिहाजा दोनों के डिफरेंस जो है ये भी हमें फिर बताएगा कि एक्स प्लस वाई इनका फैक्टर है। लिहाजा हम कह देते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को कंक्लूड करते हुए, हम कह देंगे कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड, सो इट इज़ प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इज फैक्टर ऑफ एक्स रेज टू पावर 2k-1 k नहीं लिखना चाहिए, इसकी जगह n लिखना चाहिए, बिकॉज जनरल हम लिख रहे हैं n प्लस वाई रेज टू पावर 2n-1 लें जी। कंडीशन दोनों हमने सेटिस्फाई करवा दी हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की तीन स्टेप्स को यूज़ करते हुए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 कंप्लीट हो गया। हम कह देंगे कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए दोनों को प्रूफ कर दिया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही, अल्लाह हाफिज़।